Assalamu alaikum dear students, we are going to start exercise 6.2. Simplify each of the following as rational expression. Question number 1. अब यहाँ पे देखें तो ये होल स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे. तो मिड टर्म ब्रेक बच्चों कैसे करते हैं आपको बताता चलूँ. एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 6, तो ये कितना बनता है माइनस 6. अब आपने फैक्टर जो बनाने हैं वो भी एक प्लस का और एक माइनस का होगा, तो फैक्टर इस तरह के बनेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है 6 होता है, हमें माइनस 6 चाहिए, लिहाजा या यहाँ पे माइनस लगाएंगे या फिर यहाँ पे. अब हमें चाहिए सेंटर में माइनस 1, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं और यहाँ पे प्लस लगाने से हमारे पास माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाता है माइनस 1, और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 भी आ जाता है. क्लियर, इट मीन्स वी कैन राइट इट माइनस 1 है तो क्या बन गया, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6. सिमिलरली आप नीचे देखते हैं तो ये यहाँ पे फार्मूला बनता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. यहाँ पे भी मेड टर्म ब्रेक करें तो ये बनता है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 डिवाइडेड बाई ये बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12. अब यहाँ पे आप पहले जोड़े में से कॉमन लें तो कॉमन हमारे पास आएगा x कॉमन लें तो ये बनेगा x माइनस 3, और यहाँ पे कॉमन लें तो 2 कॉमन है, अंदर कितना आ गया x माइनस 3. ये आप देखें कि ब्रैकेट यहाँ पे सेम है, तो जो आप कॉमन लेते हैं ब्रैकेट जो है ना वो सेम होनी चाहिए. नीचे आपके पास आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3. यहाँ पे फार्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सिमिलरली यहाँ पे पहले पेयर में से कॉमन लें एक्स, तो एक्स प्लस 6 आ गया, माइनस 4 कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज होंगे, ये बन गया एक्स प्लस 6. जबकि नीचे भी कॉमन लें एक्स इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 4. अब यहाँ पे आप देखें तो ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब इसको कॉमन लें एक्स माइनस 3, और दूसरी ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस 2. नीचे आपके पास एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3. यहाँ पे ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट को पहले लिखें एक्स प्लस 6, और दूसरी ब्रैकेट में एक्स माइनस 4 आ जाएगा. इसी तरह यहाँ पे x माइनस 4 ब्रैकेट में है, एक दफ़ा लिख लें, और दूसरी ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3. क्लियर, यहाँ पे देखें कैंसलेशन हो रही है x माइनस 3 से x माइनस 3 और x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल. इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास रह गया x प्लस 2 ओवर x प्लस 3, और यहाँ पे आपके पास बचा x प्लस 6 ओवर x प्लस 3. तो यहाँ पे एलसीएम आपके पास कितना बनेगा, x प्लस 3 एलसीएम बना. अब चूंकि एलसीएम दोनों तरफ सेम है लिहाजा एलसीएम आ गया x प्लस 3, तो इट मीन्स ऊपर हमारे पास जो लिखा हुआ है वही आ जाएगा न्यूमिनेटर में, जो है वही आएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 6. तो ये आपके पास आंसर कितना बन गया, x और x 2x प्लस 2 प्लस 6 8, और नीचे आपके पास है x प्लस 3. तो ये आपका आंसर. अब यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आप ऊपर देखें तो 2 कॉमन आ रहे हैं, लिहाजा 2 कॉमन लिया x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 है, आप यहाँ पे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम बना
x minus 1, x plus 1, minus से minus cancel, x plus 1 multiplied by x plus 1, x plus 1, x plus 1, आप x plus 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, और माइनस आपके पास बना फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, फोर एक्स ओवर एक्स पावर फोर माइनस वन। इनको सिंप्लीफाई करें, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स, वन को वन से किया तो वन, माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस फोर एक्स ओवर एक्स फोर माइनस वन। यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, नीचे आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, फोर एक्स ओवर एक्स पावर फोर माइनस वन। यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, कैंसलेशन करें, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर, वन से माइनस वन, तो ये आपके पास बना 4x ओवर x स्क्वायर माइनस वन माइनस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस वन प्लस 4x ओवर x4 माइनस वन। अब आप यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब माइनस से माइनस कैंसिल तो फोर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस से प्लस ख़त्म, रिमेनिंग टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर एक्स ओवर एक्स फोर माइनस वन। अब हमने 4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 4x क्यूब प्लस 4x माइनस 4x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाई फार्मूला लगाएं तो ये बनेगा x 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस आपके पास है 4x ओवर x 4 माइनस 1, 4x क्यूब और माइनस 4x क्यूब कैंसिल, ये बन गया 8x ओवर x4 माइनस 1, 4x ओवर x4 माइनस 1। एलसीएम सेम हो गया तो एलसीएम आ गया x4 माइनस 1 8x प्लस 4x, तो ये आपके पास बना 12x ओवर x4 माइनस 1, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेक होगी, फैक्टराइजेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5। अब यहाँ पे आप कॉमन लें पेयर पेयर में से तो ये बनेगा x कॉमन आ गया x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5, ब्रैकेट सेम हो गई। यहाँ पे भी आप कॉमन लें तो ये x कॉमन निकला x माइनस 3
माइनस वन कामन लिया एक्स माइनस थ्री, साइन चेंज हो गया, माइनस टू ओवर एक्स कामन एक्स माइनस फाइव, माइनस वन कामन एक्स माइनस फाइव, वन ओवर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री प्लस वन ओवर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन, माइनस टू ओवर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस वन।